मेमको मोड़ स्थित डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने फीता काटकर किया। मौके पर मौजूद स्कूल की प्राचार्य अर्चना मिश्रा ने सिटी लाइफ से खास बातचीत की और स्कूल के विषय में खास जानकारियां दी। जी मैम, बताएंगे आज डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल का जो उद्घाटन भव्य उद्घाटन किया गया, क्या उद्घाटन का में कौन कौन लगा था, क्या एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे क्या है, किस तरह से बच्चों को डेवलप किया जाएगा यहाँ पे? ओके, सो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज 18 जनवरी 2023 का जो दिन है वो डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल धनबाद के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल फंक्शन किया जिसमें धनबाद सिटी के एसएसपी श्री संजीव कुमार जी चीफ गेस्ट थे। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल जो ग्रुप है उसके नेशनल एक्सपेंशन हेड मिस्टर मंदार हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर थे फ्रेंचाइजी ऑपरेशनल हेड ऑफ डीवाई पाटिल ग्रुप डॉक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा। हमारे यहाँ बहुत सारे गणमान्य नागरिक आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और बेसिकली जैसा आपने पूछा कि हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो टेक्नोलॉजिकल क्यूब जो हमारी क्लासरूम है ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ जो हमारे वेल इक्विप्ड लैब हैं, स्टेम लैब जो कि झारखंड का यहाँ पहला स्टेम लैब अपने तरीके का है, वो उसका भी आज इनॉग्रल किया गया। और इसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के टीचिंग फैकल्टी हैं वो हमारे सबसे बड़े, अगर मैं बोलूँ तो, एसेट हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हाईली पैशनेट हैं और हाईली क्वालिफाइड भी हैं। बच्चों को क्रॉस कल्चर इफ़ेक्ट देना शुरुआत से ही बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं वो ऑल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से यहाँ पे आए हुए हैं। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट के टीचर्स जब यहाँ बच्चों को एक कैंपस के अंदर पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी मैथ्स लैब में एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाए जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में डेफिनेटली हम उस पोजीशन पे पहुँचेंगे जहाँ हमारे बच्चे डेली स्कूल आने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ एब्सेंट होने का कोई भी बहाना कोई भी बच्चा कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस स्कूल के पीछे फिलॉसफी ये है, हम रेस में दौड़ने वाले टॉपर्स क्रिएट करने में विश्वास नहीं करते हैं, हम ऐसे इंडिविजुअल बनाने में विश्वास रखते हैं जो अपने स्किल सेट में माहिर होंगे और एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग के जैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। मैम, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल 200 प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में चल रहा है, डीवाई पाटिल ग्रुप में क्या ऐसा जो लोग यहाँ पे आए और थोड़ा डीवाई पाटिल के विषय में थोड़ा बताएंगे? ओके, सो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का नाम तो हम सब ने सुना है क्योंकि ये डॉक्टर डीवाई पाटिल के नाम पे बना हुआ है। यूनिवर्सिटी के फील्ड में ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने देखा, जैसे आपने बोला कि 200 से ज़्यादा इनके कॉलेजेस हैं, लगभग 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 3 इनकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसके साथ ही अगर आपको बताऊँ तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनके स्कूल्स हैं। जैसा कि आज प्रोग्राम के बीच में मिस्टर मंदार ने बताया कि लगभग 780 इंस्टीट्यूशन हैं, है ना, और ये नंबर ग्रो करना इतना इजी नहीं होता है। ये नंबर ग्रो तभी होता है जब उतनी क्वालिटी आप पेरेंट्स को सर्व कर पाते हैं, जब आप उतनी क्वालिटी दे पाते हैं। जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जैसे करियर काउंसलिंग। आपने दूसरे स्कूल्स पे सुना होगा कि करियर काउंसलिंग ग्रेड 9 से स्टार्ट होता है, बट डीवाई पाटिल एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रेड 5 से ही करियर काउंसलिंग पे फोकस करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक आप ग्रेड 5 से बच्चों को ये बताना नहीं चालू करेंगे कि कितने करियर ऑप्शंस हैं, बच्चा उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा और जब वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा तो अपने लिए जो करियर ऑप्शन वो चुनेगा वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से चुनेगा। तो इसलिए हम करियर काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। गर्ल एजुकेशन एक बहुत बड़ा मोटो है डीवाई पाटिल ग्रुप का और इसलिए हमारे स्कूल में भी अगर गर्ल्स का एडमिशन होता है तो एडमिशन फीस वेव ऑफ है, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए कोई भी एडमिशन फीस नहीं देना होता है। साथ ही साथ हम अपने नेशनल सेंटिमेंट्स का भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर डिफेंस के फील्ड से या पुलिस के फील्ड से
यहाँ पे लोग आते हैं एडमिशन लेने के लिए, अगर उनकी फैमिली से सपोज़ पापा जो है वो डिफेंस में है या मम्मी जो है वो डिफेंस में है और बच्चे का यहाँ एडमिशन कराना है, तो गर्ल चाइल्ड के लिए तो 100% वेव ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बॉयज़ के लिए भी आपको 50% एडमिशन फीस में वेव ऑफ मिलेगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ अ कम्प्लीट ह्यूमन बींग बनाने में विश्वास करते हैं। मैं लास्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, इसमें से कितने किलोमीटर के एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगा, क्योंकि बच्चे अगर कहीं दूर से आना चाहें, क्योंकि डी वाई पाटिल एक बड़ा ग्रुप है और पहला ब्रांच धनबाद में आज ओपनिंग हुआ है, अगर कोई दूर से आना चाह रहे तो कैसे वो आ पाएंगे, क्या फैसिलिटी वगैरह है? सर हमने, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे लिए बाउंड्रीज नहीं होंगी, ये हम पहले से सोच के चल रहे हैं, एंड इसलिए जब पेरेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए आएंगे, बेस्ड ऑन द सिनेरियो वी विल बी एबल टू टेल कि उस किस एरिया तक हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउएवर जो मुझे रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके हिसाब से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का रेडियस हमने रखा हुआ। कहूँगी कि जब इतना बड़ा ब्रांड आपकी सिटी में आया है तो वाई टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स, आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, बेझिझक होकर अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। और एक और बात ये कहना चाहूँगी जिस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि धनबाद के एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और चाहूँगी कि हम सब मिलके उसे एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच।